जिंद में भारत विकास परिषद वीर शाखा और जैन समाज द्वारा भगवान महावीर जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत लोकसभा की बीजेपी प्रत्याशी मोहनलाल बडौली ने पहुंचकर रक्तदाताओं को प्रोत्साहित किया और आयोजकों को ये पुण्य कार्य करने पर बधाई दी। इसके बाद सेक्टर 8 में डॉक्टर दिनेश धीमान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चुनाव प्रचार करते हुए वोट की अपील भी की। इसके साथ ही बड़ौली ने होटल ब्लू स्टार में जनता को संबोधित करते हुए जनता का ध्यान प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए लाई गई योजनाओं की तरफ केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार देश के खजाने पर पहला हक गरीबों का है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो। मोदी सरकार ने आर्थिक सर्वे की मदद से देश के 140 करोड़ लोगों में से 82 करोड़ गरीबों को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है। धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जो अच्छे से लागू हुई है, उसकी वजह से मेरे भाई की उम्र भी जज लगी। इस सरकार के जब भाव आते इस देश में गरीब के बच्चे को नौकरी देने का जो काम अंतोदय की सरकार पहली बार इसी देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से भी कहा, संसद में भी कहा कि मेरी सरकार के खजाने पर अगर किसी का पहला हक है तो गरीब का है। गरीब किसी भी जाति का हो, गरीब किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, गरीब गरीब होता है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबी की अनेक जन कल्याण की योजनाएं चलाई और देश के 140 करोड़ आबादी में से आर्थिक आधार पर सर्वे करवा के 82 करोड़ लोगों को जो 5 वर्ष तक मुफ्त राशन की योजना से जोड़ने का काम किया है, 53 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा और अब एक नई जो हमारा संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें 70 वर्ष से ऊपर की आयु का। इस दौरान गांव अशरफगढ़ में पहुंचकर ग्रामीणों से अपील भी की और तीसरी बार भी मोदी सरकार बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाएं। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।